हमारे रिवायती दस्तकारी रिवायती जो हमारा खान पान। शुक्रिया सर। टेक्नोलॉजी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, एक फूड प्रोसेसिंग हमारे पूरे गांव में नहीं है और तभी और आपने पहुँचाने और इसको कॉमन बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा है कंट्रीब्यूशन है। हम तमाम करगिल वासियों की तरफ से खासकर करकिछु गांव के लोगों की तरफ से उनका वेलकम करते हैं। फिर हमारे एक लोकल टूर एंड ट्रैवल के मालिक हैं मिस्टर पद्मा मुसलिफ सलमान रशीद साहब ने एक किताब लिखी है इफ्तिकार रूपिया। मशहूर शायर और हिस्टोरियन मेरे छोटे भाई दिनेशस हो की बागाती समर से, दिनेशस हो की बागाती समर से रसीला बस तुम्हारा हर खुशू है। सफेद फूलों पर पड़ती है नजर जब, सफेद फूलों पे पड़ती है नजर जब बदन मदहोश खुर्रम हर अजू है। तो आल करगिल ट्रेड एंड ट्रोल सब दूर दूर हो गया आपको का जिनाब आपको हमारे सामो ने जैसे बोला श्रीनगर से पिक करेंगे और करगिल में आप शाम को पहुंच जाएगा तो अगले मॉर्निंग में आपको हम आपको आर्यन वैली घुमाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग का अरेंजमेंट भी करेगा और हम वहाँ से चक्कर चिकन से घूम के आएंगे, पैलेस वगैरह सब दिखाएगा। हाँ 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 अपो हाँ ठीक ठीक। फिर वहाँ से हम वाकामूल पिक में वहाँ पे चंबा है, वहाँ पे मोनेस्ट्री है, सब दिखाएंगे। अगले सुबह आपको हम लेके जाएंगे द्रास मेमोरियल दिखाएंगे और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है, ये तोलोलिंग है, ये टेगर हिल है, बहुत ऊंचा जगह है। हाँ हाँ और आपको मुश्कु वैली भी दिखाएंगे। हाँ हाँ ट्रैवल एजेंसी से बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी आपको पिकअप किया जाएगा कश्मीर से। हाँ हाँ हाँ
हाँ जी, आप जैसे ही करके पहुँचते हैं नेक्स्ट डे हम द्रास चले जाएंगे। हाँ, वहाँ पे देखने के लिए आपको और भी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, और भी मिलेंगे इसके लिए। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो ना हम रोजे पे बैठे हैं तो थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी, द्रास बहुत अच्छी हाँ जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हो घूमने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट डे हम हाँ टाइम पे पहुँचेंगे हम करगिल वापस। हाँ, नेक्स्ट डे हम करगिल के सराउंडिंग ही हाँ घूमेंगे। काउंसिल कारगिल और दोनों का ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने मसरूफियत के बावजूद हमारे हौसला अफजाई के लिए यहां तशरीफ लाए। सर, मैं अपने महकमे की तरफ से बाकी तमाम मेहमानों का, खासकर यहां के बीडीसी एमएलएम का, जिन्होंने कई दिनों से यहां पे दूसरे गाँव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करा के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही में पद्मश्री अवार्डी जनाब आखुन अजगर अली बशारत साहब का कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए सर, और साथ में रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का, मोहतरम शोरा हजरत का जो अपने मसरूफियात के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कहने पर यहाँ पे तशरीफ लाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ सर। तो बाकी हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए आर्मी ऑफिसर्स एंड पर्सनल्स का, जनाब अमीन पोलो का, एजाज मुंशी साहब का, करकिच्चू गाँव के नायब सरपंच, बुजुर्ग माँ बहने, स्कूल के बच्चे, यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले तमाम डिपार्टमेंट्स का, माँ बहनों का जिन्होंने अपने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, इतने फूड प्रोडक्ट्स हो उनका यहाँ पे स्टॉल लगाए, और खुसूस पूरे गांव वालों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हमारे इस फेस्टिवल को कामयाब करने में आप लोगों का बड़ा ही रोल रहा, बड़ा ताउन दिए कि आप लोगों से हमारे इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आखिर में मैं जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कारगिल आवाज से ताहा साहब से गुजारिश करता हूं कि माह रमजान की वजह से हम यहां पे आप लोगों को रिफ्रेशमेंट सर्व नहीं कर पाया, तो हमारे चीफ गेस्ट और ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट गिफ्ट वाचर हमने तैयार किए सर, तो वो दे दें। और साथ ही में हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ जगहों से जो आर्टिस्ट आए हैं, बहुत खरबू से आए हैं या दूसरे जगहों से आए, और साथ में हमारे पूरे इन तीनों जगहों में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए इनमें मीडिया हजरात का बड़ा रोल है सर, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन का, चाहे करगिल से आए हैं, लेह से भी आए हैं सर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे करगिल रंगून रिजॉर्ट के अली साहब है और उनके बाकी काफी उनके हम ख्याल के लोग हैं जो करगिल को भारत में जो है ना वो एक्सप्लोर करने का, वहाँ प्रमोट करने का बहुत काम कर रहे हैं और उसमें हमेशा हेल्थ काउंसिल उनको ताबन देते हैं। आज तक जो जो प्रपोजल उनकी तरफ से आया हमारे सीसी साहब ने हमेशा उसको लब्बे करके यहाँ के लोगों को मुंबई भेजा, दिल्ली भेजा, दिल्ली महाराष्ट्र से लोगों को ट्रेवल एजेंट को करगिल मिला के बहुत सारे फैम टूर यहाँ पे करवाया, जिसका नतीजा जो ना हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हमारे सामने नजर आ रहे हैं। नतीजा जी
हमारे डिस्ट्रिक्ट के बल्कि हमारे इलाके के फख्र कौम पद्मश्री अवार्डी जनाब अखोन अली बशारत साहब, शोरा हजरात, एडी टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट टूरिस्ट जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे कच्छू इलाका और इसके इर्द गिर्द गाँव से तशरीफ लाए हुए हमारे बुजुर्गों, बहनों और अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट और इनके साथ जो भी जुड़े हुए थे उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो चिली मंदोक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया कच्छू में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काफ़ी पर्पसफुल था। पर्पसफुल इसलिए था कि कल जब जनरल काउंसिल मीटिंग में आपका एप्रिकॉट लहसुन पर ये जो चिली मंदोक फेस्टिवल पर डिस्कशन हुआ तो बहुत सारे काउंसलर्स ने कहा कि ये बहुत बेमाने हैं, क्योंकि अगर आपने संजक में किया इससे पहले या गरकोन में किया तो ये पूछने लगे थे कि लगे कि कितने टूरिस्ट हैं वहाँ पे, क्योंकि दर्शिक्स के लोगों को या गरकोन के लोगों को तो चिली मंदोक देखने की जरूरत नहीं है और आपका संजक के लोगों को चिली मंदोक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आके मैं टशी साहब से बात कर रहा था कि इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए तो इससे हमें ये लगता है कि जिस पर्पज के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया है वो पर्पज भी काफी हद तक हमारा सोलो हुआ, यानी हम उस मकसद में कामयाब हुए और इससे हमें और भी हौसला मिलेगा डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजर्स को, कि हम इसको आने वाले सालों में इससे भी बेहतर तरीके से और भी ज्यादा पब्लिसिटी देके इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पे आए। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल था जिसको चिली मंदोक फेस्टिवल का नाम भी दिया गया है, तो आज ये यहाँ कच्छू में इसका कंक्लूड हुआ। इससे पहले इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने आपका गरकोन संजक में भी ऑर्गेनाइज किया है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ, क्योंकि इसका पर्पस एक ही है। एक तो ये है कि जो हमारा चुली है, हमारे एप्रिकॉट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आया हुआ है, उसका प्रमोशन प्लस टूरिज्म का प्रमोशन, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे ये देखते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट से यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया उस वो पर्पज़ भी काफ़ी फुलफिल हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो फेस्टिवल है ये आने वाले सालों में इससे भी बढ़ चढ़ कर जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करें और साथ साथ जो है हमारे एप्रिकॉट के लिए हिस्ट्री भी हो। दूसरी बात, आपने कहा कि कच्छू जो है बहुत ही खूबसूरत इलाका है और कच्छू जो है वो बड़ा फेमस है हमारा कच्छू एप्पल के नाम से, तो इनके गाँव के कुछ ग्रीवेंसेज हैं, बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। एक तो इनका रोड का इशू है बड़ा आपका, क्योंकि अगर यहाँ पे टूरिस्ट अगर आना चाहें तो रोड का बड़ा मुश्किल है और गाँव वालों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने इनको एश्योर किया है कि हम देखेंगे कि इस रोड जो है किस स्कीम में बना है, क्या बना है, और हम कोशिश करेंगे कि इस रोड पर कुछ ना कुछ काम हम इस साल शुरू करें। दूसरा, आपका ड्रॉट की वजह से इनका एक इलाका है यहाँ पे आपका जिसमें बहुत सारे आपके एप्रिकॉट ट्रीज, एप्पल ट्रीज हैं, उनको पानी की बहुत कमी है, उसको लिफ्ट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी जो कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट है उनको लेके वहाँ आके वहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस ट्रीज को बचाएँ, लिफ्ट इरीगेशन के ज़रिए हो या सोलर पम्प के ज़रिए हो, कोशिश यह करेंगे कि जितना हो सके हम उन ट्रीज़ को, एप्रिकॉट ट्रीज़ को बचाएँ।